कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत से तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन के अवैध कब्जा हटाने गया था। इसी दौरान एक महिला झोपड़ी में अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन पुलिस झोपड़ी का दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन इसी बीच झोपड़ी में आग लग जाती है। ऐसे में महिला और उसकी बेटी की पुलिस फोर्स और अफसरों के सामने ही जिंदा जलने से मौत हो गई है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। मैथा तहसील के मड़ोली गांव में मां बेटी की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासनिक अफसरों पर हमला कर दिया। अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं परिजनों की शिकायत पर एसडीएम मेथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा एसएचओ दिनेश गौतम, लेखपाल अशोक सिंह समेत कई पुलिस कर्मियों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव सहित विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही एक मां बेटी झोपड़ी में जिंदा जल गए और उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया है वहां के एसडीएम। और हम इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश से बात करेंगे। जी रजनीश, बताइए किस तरीके से हुई थी ये घटना। जी राखी, बताना चाहते कानपुर देहात मामला मड़ौली गाँव का है, जहाँ पे 14 तारीख उनको अवैध मकान बना हुआ तो उसको हटवाया गया था 14 जनवरी को जी। उसको मकान को बुलडोजर से हटाया गया। उसको बाद कल जो तहसील प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा, मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर एक फूस का बंगला रखा हुआ था जी जी, उसको हटाने पहुंची। वहां पर हटाने पर जो बवाल हो गया, बवाल हो गई, माँ बेटी की जलकर उसी के अंदर मौत हो गई। तो ये अंदर रह गए या जानबूझ के अंदर थे, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? इसके बारे में वहां पर कोई तस्वीर कोई गवाह था नहीं, लेकिन वो अंदर रह गए ये तो किसी ने देख नहीं पाए। एक प्रशासन अधिकारी कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जो तहसील प्रशासन के लोग गए हुए थे वो लोग वहां से तुरंत वहां से भाग निकले। वहां से कोई प्रशासन का अधिकारी वहां मौके पर कोई बचा नहीं था। जी जी रजनीश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।